नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इप्सेफ पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र और महामंत्री प्रेमचंद ने वित्त मंत्री के बजट भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजकर कई बार मांग की गई थी कि पुरानी पेंशन बहाली, राष्ट्रीय वेतन आयोग के गठन, आउटसोर्सिंग संविदा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सेवा, सुरक्षा, न्यूनतम वेतन विनियमितीकरण और आयकर सीमा बढ़ाने पर निर्णय नहीं किया गया। इसके लिए आंदोलन भी किया गया, परंतु भारत सरकार ने कर्मचारियों की पीड़ा को नहीं सुना। इसलिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर उनके आदर्शों पर सभा करके नाराजगी व्यक्त की जाएगी और आगे भी सत्याग्रह जारी रहेगा। लखनऊ से हमारे संवाददाता अजय सिंह की रिपोर्ट। कि वित्त मंत्री जी अपने बजट में जो इच्छा की मांगे थी, पुरानी पेंशन की बहाली, राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन और आउटसोर्स संविदा, आंगनबाड़ी कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन विनियमितीकरण की मांग पर अवश्य प्रावधान किया जाएगा, परंतु देश के कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी है कि भारत सरकार ने कोई मांगों पर सकारात्मक निर्णय घोषित नहीं किया है। इससे देश भर के कर्मचारियों में पीड़ा है और आक्रोश है। इस वजह से इप्सेफ ने यह फैसला किया है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर गांधी जी के दिशा निर्देशों पर, आदर्शों पर सत्याग्रह किया जाएगा। देश भर के कर्मचारी सत्याग्रह में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री जी को पुनः ज्ञापन दिया जाएगा कि इस मांग पर, हमारी मांग पर फैसला करें, अन्यथा जो भी भावी चुनाव होंगे उसमें दोबारा एनडीए की सरकार को क्षति पहुंचेगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से और वित्त मंत्री से ये पुनः आग्रह करते हैं कि इस भीषण महंगाई में कर्मचारी जो उसका परिवार त्रस्त है, उसको दैनिक कार्यों के लिए धन की कमी हो रही है, परेशानी है, इसलिए इस सब की मांगों पर फैसला कर दें जिससे कि शासन और कर्मचारियों के बीच में सद्भाव का वातावरण बने, अन्यथा देशभर के कर्मचारी जबरदस्त दबाव दे रहे हैं कि बड़ा आंदोलन देश में खड़ा किया जाए और कर्मचारियों को न्याय प्राप्त करने के लिए भारत सरकार पर को बात दिखाई जाए। इसलिए हम पुनः माननीय प्रधानमंत्री से, वित्त मंत्री से आग्रह करते हैं कि देश के स्तर के करोड़ों कर्मचारी परिवार की चिंता पीड़ा को समझें और इस पर निर्णय घोषित करें जिससे कि आपस में टकराव की स्थिति पैदा न हो। ये हमारा बार बार अनुरोध है। हम नहीं चाहते कि शासन और कर्मचारियों के बीच में कोई टकराव हो, कोई आंदोलन करना पड़े, लेकिन बाध्य होकर के आंदोलन करना पड़ रहा है और इसलिए इस पर पुनर्विचार करें और हमारी मांगों पर निर्णय तत्काल घोषित करें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।